बाराबंकी में छत पर सोई महिला की बीती रात गला रेत कर हत्या से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। हत्या के पीछे अवैध संबंधों की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाहर पारा मजरे जमुआ गाँव की है, जहाँ सोमवार की रात एक महिला घर की छत पर अकेली सोई थी, जिसका शव खून से लथपथ पड़ा था और गले पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। सूचना मिलते ही एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन थाने की भी पुलिस फोर्स बुला ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाहर पारा गांव में एक छत पे सो रही महिला के किसी धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचा करके हत्या कर देने की सूचना अभी सुबह सुबह पुलिस को प्राप्त हुई। उसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आसपास के थानों की फोर्स आई है और इस पर तत्काल घटना पर लग के जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। इनके परिजन भी आ गए हैं सभी और रिश्तेदार भी आ गए हैं, महिला के भाई लोग भी आए हुए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है, कुछ एंगल निकल के आ रहे हैं। इतर देन परिवार से कुछ था, फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट था और यहाँ पे जो मृत अवस्था में छत पे पड़ी हैं वो उसी तरह से थी, कमर में उनकी चाबियाँ भी लगी थी। सिचुएशन ये थी कि पति शाम को बगल के में किसी शादी में चले गए थे, लड़का भी गांव में बारात आई थी वहाँ चले गए थे। ये छत पर अकेले सो रही थी, यहाँ पे घर पे थी। यद्यपि की पूरी जानकारी की गई है तो इसमें कोई इस तरह की प्रॉपर्टी संबंधित एफेंस नहीं है, तो लूटपाट नहीं गई है, विशुद्ध रूप से हत्या है और इस हत्या के पीछे के कुछ कारणों की जानकारी आई उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। शीघ्र ही अनावरण कर लिया जाए।